दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो, डाटा हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है। डाटा यानी कि इंटरनेट का डाटा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर फ़ोन के अंदर इंटरनेट ना हो तो आप जानते हो जीना कितना मुश्किल हो जाता है। इंसान तड़प जाता है कि हम किस प्रकार अपना टाइम पास करें। दोस्तों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, रोपोसो एप्लीकेशन जो है बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है। इसे लाखों करोड़ों लोग डाउनलोड कर रहे हैं और जो कि बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। मगर इस एप्लीकेशन में एक प्रॉब्लम सबको आ रही है कि इसमें डाटा जो है ना उसका यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है। यानी कि बहुत लोगों की कंप्लेन है कि हम 20 मिनट रोपोसो एप्लीकेशन को चलाते हैं तो हमारा 1 GB डाटा बिल्कुल गायब हो जाता है। कई लोग बताते हैं कि हम आधा घंटा रोपोसो ऐप चलाते हैं तो हमारा 1.5 GB ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, सभी परेशान है, जबकि इससे पहले देखा जाए तो टिकटॉक में डाटा सेवर ऑप्शन था जिसमें कि हम पूरा पूरा दिन भी अगर इंटरनेट चलाते थे, टिकटॉक चलाते थे, तो हमारा डाटा इतना खपत नहीं होता था। मगर रोपोसो में हम 20 मिनट, 30 मिनट, 25 मिनट चलाते हैं, हमारा पूरा 1.5 GB, 2 GB बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किस प्रकार डाटा सेवर ऑप्शन रोपोसो एप्लीकेशन में ला सकते हो। उसके लिए आपको ले चलता हूँ अपने मोबाइल में। जैसे हम रोपोसो एप्लीकेशन को खोलेंगे तो हमारे सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। हम यहाँ पे आपको नॉर्मली अपनी प्रोफाइल पिक्चर दिख रही को, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। सिंपली आपको सेटिंग के ऑप्शन में क्लिक करने के बाद यहाँ पे जाना पड़ेगा, हेल्प अस इम्प्रूव मोर पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो दोस्तों, आपके सामने ऐसे तीन या जितनी भी ईमेल आईडी आपके फ़ोन में होगी वो दिख जाएगी। आपको सिंपली आप जिस भी ईमेल आईडी को यूज़ करते होंगे आप उस पर क्लिक करना। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे दोस्तों, आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, आपकी ईमेल आईडी खुल जाएगी। सबसे ऊपर आपको यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी दिख जाएगी। यहाँ पर feedback@roposo.com दिख जाएगा और यहाँ पे आपके सब्जेक्ट वगैरह दिख जाएगा, वो एंड्रॉयड कौन सा फ़ोन वगैरह है उसके बारे में दिख जाएगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कंपोज मेल, यहाँ पे आपको कंपोज करना मेल और यहाँ पे एक PDF बन के आ जाएगी। नॉर्मली हेल्प के लिए जो भी आप भेजोगे तो आपको नॉर्मली यहाँ पे एक मेल लिखना है रोपोसो एप्लीकेशन को। जैसे कि मैंने वो पहले लिख लिया था, इसको मैं नॉर्मली पेस्ट कर देता हूँ। इस मेल में आपको लिखना है, डियर रोपोसो टीम, रोपोसो ऐप इज़ वेरी गुड, ये बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है। आई हैव ए कंप्लेन इन रोपोसो ऐप, मुझे एक प्रॉब्लम हो रही है रोपोसो ऐप में। रोपोसो ऐप यूज्ड मोर डाटा, और ये बहुत ज़्यादा डाटा खा रहा है रोपोसो ऐप। यू शुड फाइंड ए सॉल्यूशन ऑफ दिस सो दैट डाटा कॉस्ट लेस रोपोसो ऐप, आप जल्दी से इसका सॉल्यूशन निकालिए ताकि रोपोसो ऐप में हमारा डाटा कम खर्च हो। प्लीज़ लॉन्च डाटा सेवर ऑप्शन इन रोपोसो ऐप सून, जल्दी जल्दी आप रोपोसो में डाटा सेवर ऑप्शन ऑन कर दीजिए, थैंक यू सर लिख के। आपको रोपोसो आईडी यहाँ पे लिख लेनी है और उसके बाद यहाँ पे आपको सेंड कर देना है। जैसे आप सेंड करोगे तो ये आपका मेल रोपोसो में पहुँच जाएगा। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि किस प्रकार हमें रोपोसो मेल करनी है। अब आप सोच रहे होंगे मेल करने का फ़ायदा क्या होगा। दोस्तों, मैं कहूँगा कि आप इसे ज़्यादा मेल कीजिए। आपके फ़ोन में अगर 2 ID या 3 ID, उनसे मेल कीजिए, अपने दोस्तों को मेल करने कीजिए। अगर हम जितना ज़्यादा फीडबैक देंगे रोपोसो ऐप को, वो उतनी जल्दी डाटा सेवर ऑप्शन को ले आएगा। क्योंकि जो भी कोई एप्लीकेशन होती है जो वायरल हो रही है, कोई नई एप्लीकेशन होती है, तो वो अपने कस्टमर से चाहती है कि उससे कस्टमर उनकी गलतियां निकाले ताकि वो उस चीज़ को सॉल्व कर सके, आने वाले फ्यूचर में वो गलतियाँ दोबारा ना हो सके। क्योंकि इस टाइम पर बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है टिकटॉक के बंद होने के बाद। रोज़ नए नए एप्लीकेशन आ रही है टिकटॉक जैसी, तो अपने आप को मार्केट में बनाने के लिए हर एप्लीकेशन कुछ ना कुछ नया लेके आ रही है अपने यूज़र के लिए, ताकि उनको उनके यूज़र टिके रहें। जब हम सब लोग, लाखों करोड़ों लोग रोपोसो को मेल करेंगे तो उससे दबाव पड़ेगा और रोपोसो समझ जाएगा कि एक ही तरह की प्रॉब्लम सभी यूज़र को हो रही है और इसे जल्दी जल्दी वो सॉल्व करेगा। दोस्तों, अब तो आप समझ गए होंगे कि हमें मेल करना कितना ज़रूरी है। और मैं ये नहीं कहता सिर्फ डाटा सेवर के लिए ही मेल कीजिए, आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है रोपोसो एप्लीकेशन में उसे मेल कीजिए, क्योंकि नहीं एप्लीकेशन है, जल्दी रिस्पांस देंगे और इसको जल्दी ठीक करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि डाटा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, ये कोई फ्री में नहीं मिलता, इसके लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं। तो दोस्तों, अब तो आप समझ गए होंगे कि डाटा सेवर ऑप्शन कैसे आ सकता है जल्दी जल्दी। अगर वीडियो पसंद है ज़्यादा तो लोगों तक शेयर कीजिए। दोस्तों, चैनल पर नए हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना जरूर। दोस्तों, तो नमस्कार दोस्तों, कल मिलते हैं नए वीडियो से। आपका दिन शुभ हो।